हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है टेंशन फ्री स्टडी में। दोस्तों, हम लोग क्लास 10th का जो है मैथ का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये जो भी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या करवा रहे हैं, ये प्रश्न जो है पिछले कई सालों के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग ध्यान से ज़रूर देखें। आप लोगों को कहाँ पे समझ में नहीं आती है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर दें, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर है, तो इसका जो है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रहना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज जो होता है, मतलब जिसका तीनों भुजा क्या आपस में बराबर हो। जैसे हम एक समबाहु त्रिभुज बना दिए, मान लीजिए ए बी सी, यदि एक भुजा एक्स है तो तीनों भुजा क्या हो जाएगा, एक्स। तो परिमिति जो है 30 सेंटीमीटर है, तो परिमिति जो होता है तीनों भुजाओं का योग होता है परिमिति। तीन भुजा मान लीजिए एक दो तीन, तीनों भुजा यदि जोड़ेंगे, एक भुजा एक्स है, तीन भुजा 3x, मतलब ये 3x हो गया टोटल परिमिति। या परिमिति देखिए कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। ये तीनों भुजा का योग ही परिमिति होता है, तो बराबर में हो गया 30। अब यहाँ से कटेगा, एक्स का मान निकाल लेंगे हम, तो एक्स बराबर कितना हो गया, 3 दही 30 कटा, तो एक्स बराबर 10। मतलब ये जो है भुजा जो है तीनों भुजा समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा बराबर होगा, तो एक यदि 10 निकल गया, तो एक यदि 10 निकल गया तो तीनों 10 10 ही होगा। तो यहाँ पे हम भुजा निकाल लिए। अब जो है बस आसान है क्षेत्रफल निकालना, बस आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल जो होता है वो होता है √3/4 × भुजा स्क्वायर। तो √3/4 × भुजा का मान जो है यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 10 × 10 भुजा स्क्वायर था। तो यहाँ पे 2 2 ना 4 2 5 10, तो गया यहाँ 10 5 50, √3 50 √3, ये आपका आंसर हो गया। यदि ऑप्शन वाला रहेगा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो उसमें चार ऑप्शन रहेगा, इसी प्रकार से दिया हुआ है, आपको एक ऑप्शन टिक करना है। सब्जेक्टिव यदि है तो कोई बात ही नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव रहे या सब्जेक्टिव, बनाने का कॉन्सेप्ट जो है हमेशा क्लियर होना चाहिए, जिससे कि किसी भी टाइप के क्वेश्चन को हम जो है आसानी से बना सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अब अपना जो भी राय है, विचार है, कमेंट बॉक्स में लिखकर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।